ये हम झरने के सबसे ऊपर के छोर तक गए और पूरा रिक्स लगे और हमने झरने के अंदर वाटरप्रूफ कैमरा भी फेंका है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ये देखो ये कैमरा बंधा हुआ है, वाटरप्रूफ कैमरा पत्थर के साथ बांध के झरने के अंदर फेंका और इसकी गहराई नापी और कहाँ पत्थर अटक रहा वो भी दिखाया। और हम यहाँ से थोड़े भी पैर फिसल गया तो सीधी है मौत। तो चले गए, इस रिस्की ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम ऐसा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जो बहुत ही रहस्यमय है, अपने खुद के लिए और हमें पूरे जोधपुर वासी के लिए। ये पूरा झरना है, झरने के अंदर हम आपको दिखाएंगे पानी कितने सालों से पड़ा रहता है तो भी कभी ये पानी के अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं और ज़मीन से 100 फीट ऊपर होने के बाद भी उसमें पानी है। पानी है तो कहाँ से आता है पानी? और हम पहाड़ के सबसे ऊपर के छोर पर जाएंगे और वहाँ पे जाके पूरा झरना के चारों तरफ घूमेंगे और देखेंगे पानी आता है तो कहाँ से आता है, और नहीं आता है तो चमत्कार है, और वो भी कैसे चमत्कार है वो सब दिखाएंगे हम आपको वीडियो के अंदर। ये सारा पैदल चलने का रास्ता है, अभी रोड सही है और थोड़ी सी आगे बाद में पत्थरों से बनी हुई रोड मिलेगी आपको। ये सारा पैदल लोगों के लिए चढ़ने के लिए है, पैदल जब इधर सावन सोमवार में भीड़ रहती है तब ये पैदल लोगों के लिए आने के लिए होता है और बाइक किसी को भी ऊपर आने के लिए अलो नहीं किया जाता है, ओनली फॉर पैदल आना पैदल जाना होता है। ये आपका 25 मिनट का वीडियो हमें तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे जिसमें एडिटिंग से लेकर वीडियो शूट तक सब मिक्स है। ये हम आपको झरने से थोड़ा सा नीचे का व्यू दिखाता है कि कितना ऊपर झरना है, और इतने ऊपर झरने होने के बाद में भी यहाँ पर पानी और इसके ऊपर भी और भी पहाड़ है, तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिएगा। तो चले गए, आज हम वहाँ पे हैं जहाँ आपको पूरा वीडियो में स्टार्टिंग से आपको इंतजार था वो आपको देखने के लिए अभी मिलेगा। वो उधर है महादेव जी का मंदिर। इधर से ये वापस आने के लिए गेट है, वापस इधर से दर्शन करके ये जाने के लिए, और ये है उनकी गुफा, झरना बोलते हैं इधर। चलिए आपको अंदर ले जाते हैं और वो रहस्यमय बातें बताएंगे, वो रहस्यमय जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे के आंसर देंगे। चलिए गाइस चलते हैं, आ जाए। ये सारी हमारी एसेसरीज पड़ी है और हम अभी जो करने वाले हैं उसका भी सारी हमारी एसेसरीज हम साथ में लेकर आए हैं और अभी हम चलते हैं और थोड़ा नीचे आपको दिखाते हैं। चलिए ये यहाँ से पानी की चार होता है और अभी पानी बहुत ठंडा है, ये पूरी गुफा है। यही वो गुफा है जो ज़मीन से 100 फीट ऊपर है, 100 फीट ऊपर होने के बाद भी यहाँ पे इतना सारा पानी और वो भी एकदम साफ स्वच्छ पानी, और जिसमें कई सालों से पड़े रहने के बाद पे भी इस पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़े। ये हम हैं, ये इधर है महादेव जी का मंदिर है और ये इधर है झरना, आपको दिखा देता हूँ। ये झरने की खिड़की है और वो भी खिड़की है, और ये है मंदिर भगवान जी का, और वो झरना है उधर, झरना और ये मंदिर एक ही था। इधर ध्यान रखते हुए पब्लिक लोग बहुत आते हैं, उनकी वजह से कोई घिर वीर नहीं जाए इसलिए बीच में दीवार कर दी गए। बाकी ये पूरा देखो वैसा क्या वैसा ही है जैसा पहले था, ये सारा अभी वैसा क्या वैसा। इधर ये जाली लगा दी है।
ये हमने पत्थर के साथ वाटरप्रूफ कैमरा बांधा है और हम पत्थर को पानी के झरने के अंदर फेंकेंगे, फिर देखेंगे कि हमें अंदर का क्या रिव्यू मिलता है। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से गुफा से बाहर निकल रहे हैं झरने से, और आपको इससे पहले हम चलेंगे पहाड़ के सबसे ऊपर की छोर, देखेंगे पानी कहाँ से आता है और इसके बाद हम झरने के अंदर वापस आएंगे। पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरा जहाँ से पानी आता है, कहाँ से पानी आता है, वो सब दिखाएंगे। ये था वो नीचे झरना, झरने के ये है ऊपर। अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर, मुझे तो ऐसी कोई भी जगह नहीं लग रही है जहाँ से पानी आ सके, फिर भी नीचे पानी है। आपको और ऊपर ले जाता हूँ और ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं और झरने के ऊपर आ गया हूँ, फिक्स एग्जैक्टली इसके नीचे झरना है। और आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि झरने में कहीं से पानी आ सकता है, क्योंकि चारों तरफ मुझे तो सूखा लग रहा है। ये देखो सारा कुछ सूखा है, और ये भी जो पत्थर भी है सारे ऐसे नहीं लग रहे हैं कि यहाँ से कोई पानी आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ऊपर भी मुझे तो पूरा सूखा लग रहा है। और अभी हम अभी मैं और मेरी पूरी टीम चढ़ने के सबसे ऊपर के छोर पे जाएंगे और पहाड़ के सबसे ऊपर छोर पे जाएंगे और वहाँ से आपको बताएंगे कि पानी कहाँ से आता है। बहुत ही ऊपर है, हमें खतरों के साथ खेल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमें खुद पहाड़ पे रास्ता बनाना पड़ रहा है। और हम पूरे एंड छोर तक जाएंगे और एंड छोर पे जाके हम आपको दिखाएंगे पूरा नीचे तक व्यू। बहुत ही कठिनाई का रास्ता है, सिर्फ आपके लिए जा रहे कर। ओ हो, बच गया मेरा भी। सामना करना पड़ रहा है हमें, सिर्फ आपके लिए, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मेहनत करके हम लोग वहाँ तो जा रहे हैं। पूरी एनर्जी लो और बैठ रेड लाइट रात को थक चुके, सांस फूल रहे अभी। इतना ऊंचा था जोधपुर का किला भी नहीं। गाइस बहुत थक चुके हैं, बहुत सांस फूलने लगी है, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अभी यहाँ से अगर बाई मिस्टेक थोड़ा से अभी अगर पैर फिसल गया तो सीधा एक एक हड्डी गायब, जितना चूर हो गया। बहुत ही ऊपर ऊंचाई पे खड़े हैं, या पीछे से देख सकते हो व्यू, थोड़ा सा पैर फिसला और पूरा रिस्की है,
हम तो भी गए आपके लिए रिक्स लेके, अभी और आगे चलते हैं। ये देखो गाइस, थोड़ा सा भी अगर पैर यहाँ से फिसल गया तो सीधा गया मौत के मुंह में। कॉपीराइट दे देला गाना कट गाओ। नहीं सकता इतनी मेहनत करके, इसलिए वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। बहुत ऊपर आ चुके हैं, एक तरह की बहुत चैन की सांस मिलती है कसम से। मैं क्या बताऊं, इतना एकदम चैन की सांस मिलती है ना, इतनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत बहुत ही अच्छा वो लग रहा है हमें। फाइनली गाइस, हम उस मंदिर पे पहुंच गए थे और मैंने आपको नीचे पूरा वो जो पहाड़ था, अभी जो झरना था उसका पूरा आपको रिव्यू दिखाया था। और उसके ये अभी झरने के बहुत ऊपर आ चुके हैं, वहाँ से भी आपको दिखाया हमने, कुछ भी नहीं दिखा हमें। या पीछे का बैकग्राउंड व्यू देख सकते हो, हमें कुछ भी नहीं दिखा ऊपर से ऐसा कि यहाँ से पानी जा सकता है चढ़ने के अंदर। एक वीडियो का ऑप्शन है, वो है मंदिर उधर, और मंदिर के ऊपर चढ़ना है। चढ़ने के पूरे हम ऊपर आगे जा चुके हैं, पूरा व्यू दिखा रहा आपको चढ़ने के ऊपर का पूरा व्यू। कहीं ऐसा नहीं लगता कि वहाँ से पानी नीचे जा सकता है, तो भी अंदर इतना पानी एकदम साफ पानी पीने लायक और बिल्कुल कीड़े नहीं है वो। आप ये देखो, वहाँ पे है झरना और ये है, हम झरने के ऊपर खड़े हैं और झरना नीचे की साइड है। झरना और इसके नीचे की साइड आपको चारों तरफ से आपको बताया है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि फिर ऊपर से कहीं ऐसे आता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ये देखो, ये पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो, बैकग्राउंड व्यू इतना मुझे तो अच्छा लग रहा है, इधर भी व्यू इतना अच्छा, और बारिश के मौसम में तो इतना अच्छा लगता है ना, पूछो मत। ये भी हमारे फ्रेंड है, इनका भी यूट्यूब चैनल है व्लॉग विद एन, ये भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही अच्छे से। अभी हम वापस जा रहे हैं ऊपर से पहाड़ से सबसे नीचे की ओर, वापस झरने के पास जाएंगे और हम आपको झरने के अंदर वापस उसके गहराई मापेंगे और वाटरप्रूफ कैमरा भी फेंकेंगे। हम चल रहे हैं वापस नीचे की ओर, चलते हैं वापस नीचे, चलते हैं वो है वहाँ पर है झरना, चलते हैं नीचे की ओर। बहुत रिक्स लेके ऊपर चढ़ा हूँ, और आपको ये भी रास्ता दिखा देता हूँ झरने का। ये भी पूरी एकदम गुफा जैसा है, ये दो ये पत्थर है इस पहाड़ से ही इसे निकाला हुआ है। इधर ऊपर से सूर्य की किरणें आती है, अभी आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ पहाड़। ये देखो, ये पूरा पहाड़ है, ये देखो। इनमें से मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि कहाँ से पानी आता है, क्योंकि मैं झरने के जस्ट ऊपर आके आपको दिखा दिया कि ये झरने के ऊपर की जगह है, फिर भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जहाँ से पानी आ सकता है। अभी इसको चमत्कार कह दो या कुछ भी कह सकते हो आप, मेरे हिसाब से तो चमत्कार ही है। और यहाँ का पानी मीन पड़ा रहता है तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, पानी आप कभी भी पियो एकदम शुद्ध शुद्ध पानी होगा। और ये देखो आपको, अभी हम वहाँ पे जाके आए, पूरा घूम के आए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अभी जस्ट इसके नीचे यहाँ पे है झरना, जो चौबीस मिनट जब से हुआ है आज से कभी पानी कम नहीं हुआ, जब जिस लोगों ने भी देखा कभी पानी कम नहीं देखा। अभी देखो, ये है झरना का गेट, मैं वापस जाता हूँ झरने में। मुझे तो इधर बहुत ही अच्छा लगा, अंदर बैठे ही हमारी टीम इधर ही बैठी है।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भैया के बिस्की ग्रुप को सपोर्ट करें। आपके लिए इतनी मेहनत करके यहाँ से बहुत दूर से चलकर खास तौर से वहां से मंदिर से पैदल आए और नंगे पांव आए, आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे। वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाए गाइस, और हम आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे कितना गहरा है, क्या है गाइस, पत्थर बांध लिया है, सब कुछ दिखाएंगे। अभी इतनी बड़ी काली रस्सी खोल दी मैंने, अभी इसको एक बार फेंकते हैं पानी के अंदर और देखते हैं कितना दूर जाता है। इधर लोगों का मानना है कि ये बहुत गहरा है, बहुत डीप है, पता नहीं कितना है, चेक तो करना पड़ेगा। इसलिए हम पत्थर को यहाँ से फेंकते हैं, सामने वाले उस छोर पर फेंकते हैं, देखते हैं कितना दूर जाता है, कितना अंदर जाता है। अगर जितना गहरा होगा इसकी उतनी खींची जा रही खींची जाएगी, अगर नहीं होगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, फेंकता हूँ मैं इसको। रस्सी खींची नहीं जा रही है बिल्कुल भी, और लगता है वो कहीं पत्थर अटक गया है, और ज़्यादा नीचे भी नहीं गया पत्थर, वो बीच में कहीं अटक गया है, क्योंकि ज़्यादा हमारे हाथ से रस्सी स्लिप नहीं हुई, ना ही नीचे की ओर गई थी, और बीच में काफ़ी जगह पे पत्थर अटक भी रहा था, जैसे मीन्स पत्थर के कॉन्टेक्ट मारने से। और हम इधर नहीं हुआ था, उस साइड एक और जगह है, उस साइड भी पत्थर फेंकेंगे और देखेंगे कितना गहरा है, पूरे गहरे ही नापेंगे। थोड़ा सा डीप था, रस्सी खींच जाए, हमें इस साइड फेंकते हैं, इस साइड देखते हैं कितना गहरा रहता है। इस साइड भी थोड़ा डीप ही है, तो रस्सी खींची जा रही है, मेरा देख पा रही है, लगता थोड़ा डीप है उधर। अभी हम करने कर देंगे, अभी हम स्प्रे करते हैं। ये है हमारे पास वाटरप्रूफ कैमरा, अब इसको हम पत्थर के साथ बांध के फेंकेंगे सीधा उधर, फिर देखते हैं पानी के अंदर कितना गहरा है, पत्थर कहाँ अटक रहा है, वो सब देखेंगे इस कैमरे की मदद से। हमने कैमरा सेट कर दिया, अभी ये देखो इसको भी पानी के अंदर फेंकेंगे। इसको पत्थर के साथ कनेक्ट करते हैं, अभी हमने इसके साथ ये इसको बांध दिया है, रिकॉर्डिंग की ओपन है। पानी के अंदर फेंकेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो, ये जो पत्थर के साथ बंधा हुआ कैमरा है, वाटरप्रूफ कैमरा, इसको पानी में फेंकेंगे। अभी हम पत्थर के साथ वाटरप्रूफ कैमरा
कैमरा फेंक रहे हैं और कैमरे में वो रिकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ अटक रहा है और नीचे जा रहा है तो कितना गहरा में जा रहा है और वो नीचे क्या चीज़ है वो सब अपन कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखेंगे और इस क्लिप के आगे मैं वो क्लिप एड करूँगा। चलिए चलते हैं। ये कैमरा भी हमने खोल लिया है तो पूरा सही सलामत निकला है पानी कैमरा और अभी है ये पत्थर रखते हैं और ये हम देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अटकी है पत्थर कहाँ अटका है वो सब देखेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको वीडियो के क्लिप एंड में दिखाएंगे और चले चलते हैं मैं थोड़ी सी देख लूँ। ये हम फेंक रहे हैं पत्थर के साथ कैमरा बांध के ये फेंका ठीक गया पानी के अंदर। ये सब पानी का रिव्यू है आप अच्छे से देख सकते हो। ये देखो पानी के अंदर क्या क्या दिखता है सब कुछ देख के आप एकदम क्लियर एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ आपको दिख रहा है सब कुछ। ये सब चीज़ दिखा हमें देखो ये पत्थर और अंदर जा रहा है ये देखो ये सारी वाटरप्रूफ कैमरे की रिकॉर्डिंग है पानी के अंदर की ये सब है अंदर। वाओ क्या अमेजिंग ये अभी हम कैमरे को वापस खींच रहे हैं ये हम खींचे पानी की ओरिजिनल वॉइसेस पूरी ये हम कैमरे को वापस खींच रहे हैं ऊपर की ओर ये निकाल लिया पानी से बाहर लिया पूरा सही सलामत दिख रहा है पानी कैमरा और अभी है ये पत्थर रखते हैं और ये हमने देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अटकी है पत्थर कहाँ अटका है वो सब देखेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको वीडियो के क्लिप में एंड में दिखाएंगे और चलिए चलते हैं। तो चलिए गए चलते हैं अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपकी मर्जी है लाइक करना सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है क्योंकि देसी घी खाना है तो आपको सब्सक्राइब करना मीन्स समझ गए होंगे आप जो देसी घी खाना चाहते हैं वही ऐसे करेंगे जो जिसको नहीं हजम होता है देसी घी वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप समझ चुके हैं मीन्स वीडियो को अच्छा वीडियो जिसको देखना वही सब्सक्राइब करेगा और फिर आपकी मर्जी आपको करना है नहीं करना वो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ हो सके तो मत करा अच्छा होगा जिसको करना होगा वही करेगा। चले गए चलते हैं ओके बाय बाय टेक केयर गाइज ये रील्स में अभी बहुत ही फेमस हो रहा है ट्रेंड हो रहा है सॉन्ग ये सॉन्ग कौन सा है हमें कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए हमने नहीं डाला है जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कौन सा सॉन्ग है।